कहते हैं तुगलकी फरमान, आपने सुना होगा, एक राजा था, वो कभी कुछ फरमान जारी कर देता था और कभी कुछ जारी कर देता था। कभी उसने चमड़े के सिक्के चला दिए, कभी उसने राजधानी बदल दी। इसी तरह के राजा जब दिल्ली पे काबिज हो गए हैं तो वो भी तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। जनता को क्या तकलीफ होती है, क्या परेशानी होती है, कितने लोग बेरोजगार होते हैं, कितने लोग सड़क पर आ जाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। एक सुबह उठे और बस अपना परसेप्शन बनाया कि प्रदूषण है, क्या करो कि पहले ट्रांसपोर्टर पे तलवार चलाओ, अरे पहले पराली रोको, पहले इधर उधर जो जल रहा है, जिस तरह से पोल्यूशन हो रहा है, बिल्डिंग मटेरियल का काम हो रहा है, वो रोको। नहीं, ट्रांसपोर्टर सबसे आसान लगता है कि उसका गला दबा दो, उसको बेरोजगार कर दो, उसका हक छीन लो। संजय जी लगातार करते रहे हैं, बात उठाते रहे हैं, लेकिन अब जो नई तरीके का फरमान जारी हुआ है 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को, उस सिलसिले में जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में आ गए हैं ऑटो टैक्सी और ट्रांसपोर्ट वाले, और ये कह रहे हैं कि इस तरह से नाजायज मत करो, मानवता का गला मत घोटो, केजरीवाल जी तानाशाही मत करो। संजय सर, लगातार आपको तो जितने ट्रांसपोर्टर हैं सब जानते ही हैं कि आप लगातार उनके हक की बात करते रहते हो, अचानक क्या फरमान कर दिया हमारे दिल्ली के तुगलक ने? सर, ये केजरीवाल जी हैं, CAQM वाले चेयरमैन कुट्टी साहब हैं, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आशीष कुंद्रा जी हैं, और अपने शहजाद आलम साहब हैं। ये एक तरीके से गाड़ी बिकवाने का धंधा कर रहे हैं, ये अपनी ट्रांसपोर्टर्स के लिए कोई हित में कार्य नहीं कर रहे। CAQM के जो चेयरमैन हैं वो भी पॉल्यूशन को ख़त्म करने की बात ना करके, पराली को जलाने के लिए बंद ना करके, जो कंस्ट्रक्शन की धूल उड़ रही है उसको ना रोक के, ये ट्रांसपोर्टरों के धुएं के पीछे पड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अरबों रुपए का घोटाला हिंदुस्तान में हो रहा है, जिसकी निगाह किसी पे नहीं है। अरबों रुपए का घोटाला, हमसे 110 से लेकर 150 रुपए तक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। इससे साबित होता है कि हमारी गाड़ी धुआं नहीं देती, और ये सर्टिफिकेट जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, किसी प्राइवेट एजेंसी की तरफ से दिया नहीं जा रहा है। तो सर्टिफाई कर रही है, दूसरी तरफ कह रही है पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, बंद करो ये प्रदूषण का। तो ये अरबों रुपए का जो ये नाटक है, हम ये भी चाहते हैं कि इसको बंद करा जाए। 10,000 का चलान है सर, अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसका 10,000 का चलान। तो ये दोहरा रवैया सरकार और CAQM और जो इनकी संस्था है, ये हमारे पे क्या कह रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, इस तरह की इनकी सोच हो गई। जी, इनको ट्रांसपोर्टर की जो कौम है एक तरीके से, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट लगता है। और ये हम लोगों को टारगेट बना रहे हैं, हमने एक दो जगह होर्डिंग भी लगा रखी, केजरीवाल जी आप कारों का शोरूम खोल लो, आप गाड़ियां बिकवाने का धंधा करो, आप CM पद छोड़ दो। हमने तो ये भी कहा है। क्या कमीशन मिलता है इन लोगों को? अब इसको कहीं ना कहीं कमीशन मिलता है, फायदा होता है, ये तो जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं बात हो रही है इस तरीके से कि ये लोग हमारी गाड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं। हमारी गाड़ी जनवरी में भी वही धुआं देती है, मार्च में भी वही धुआं देती है, अगस्त में भी वही धुआं देती है, और नवंबर में भी वही धुआं देती है। तो ये धुएं का मकसद तो है ही नहीं इन गाड़ियों से। जो ये जो पॉल्यूशन है वो पराली से होता है, क्योंकि हमारी गाड़ी एक्स्ट्रा धुआं नहीं देती, कोई उनको सर्दी नहीं लग जाती। हमेशा नहीं जलाई जाती, इसी समय जलाई जाती है, इसी समय जलाई जाती है, और इसी समय हमारी हर साल गाड़ियां बंद की जाती है। अच्छा, ये क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलना चाहूंगा कि जो बसों के अंदर जो बसें हमें 10 साल के लिए, जब डीजल की बसों के लिए या डीजल की गाड़ी आज कोई खरीदता है, आज आप कहते हैं 10 साल तक चलेगी, तो हमने 2020 में 1.5-2 करोड़ रुपए की वॉल्वो स्कैनिया बसेस लेकर के आए, और वो सरकार ने आज 2 साल कोरोना आ गया, 21 और 22 में गाड़ियां चली नहीं, और 2 साल कोरोना के बाद अब जब गाड़ियां चलने लगी हैं तो ये गाड़ियों को बंद करने का आह्वान हो गया है। आप बताइए कि 2020 से लेके 2023 तक 2 साल पोल्यूशन आप निकाल दीजिए कोरोना के, ट्रांसपोर्टर ने क्या पैसा कमा लिया होगा? ट्रांसपोर्टर थे, जिसमें एक बड़ा सेक्टर ऑटो का भी आता है, जिसने पीछे पोस्टर लगा लगा के किसी को CM बना दिया, और आज वो CM बैठ के इन्हीं के पेट पर लात मार रहा है, क्या कहेंगे उसको? मैं यही कहूँगा कि साहब, जो भी गाड़ियां हैं, जो उनकी लाइफ मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से दी गई है 10 साल की, अगर आपने दी है तो 10 साल उन्हें चलने दिया जाए, जो कि बिल्कुल भी हमारे जो हमारे हित हैं, जो मान लीजिए जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकारों का हनन है, ये लीगली भी कहीं से स्टैंड नहीं करेगा। लेकिन हम लोग इतने बिखरे हुए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में हर छोटी चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। तो ये सरकार को खुद सोचना होगा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक के लिए चल रही है, दिस इज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल। अगर हम कल गाड़ी बंद करते हैं, अगर हम कल गाड़ी को रोड से हटाते हैं, तो हमारे पास SMA लगाया जाता है।
हमें जब पिछली बार भी जब 2001 में हमने सरकार से सहयोग किया था और सब सीएनजी की बसें लेके आए थे, जब हमने बसें बंद करने की आह्वान किया तो हमारे ऊपर एस्मा लगाई गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी इधर आ जाइए आप थोड़ा सा, क्योंकि आप खुद से सब समझते हैं इन चीज़ों को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सबको हटा के किसी बड़ी कंपनी के को दे देंगे सारा ठेका और आप वहाँ नौकरी करोगे 10-20 हज़ार की? नहीं सर, ऐसा तो कैसे पॉसिबल है जो, लेकिन कह रहा नीति तो ऐसे ही कर रही, तो ऐसी कह रही है सर। देखो जिसने 18 में 19 में 20 में 20 मॉडल जिनकी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ पहले ही उनकी किस्तें टूट गई, बच्चे कुछ का सर उन्होंने जैसे कैसे दिवालिया कर देंगे, फिर क्या दिवालिया कर दिया था सर, दिवालिया खुद हो रखे थे लोग, इतनी बुरी हालत थी लोगों की, किस्तें कहाँ से उठा के भरी, कर दिया सर इन्होंने, हम कहाँ हो गए, काम भी था सब कुछ था, पहले कोरोना के टाइम पे इतना टाइम निकाल दिया, उसके बाद में पहले कहते थे कि जी पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार दिल्ली में है, हम वो नहीं कर सकते, अब तो पंजाब में आपकी सरकार है, आज तो पराली बंद करा सकते हो ना, आज तो भगवंत मान जी हैं उसके सीएम, नहीं करेंगे वो, नहीं करेंगे, सिर्फ छुरी चलानी है तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर पे चलानी है या सिर्फ टैक्सी वाले पे चलानी है। ये सोचते हैं कि किसान है ना बहुत ज्यादा संख्या में, लेकिन इनको पता नहीं है कि हर घर में एक ड्राइवर होता है सर, हर घर में ड्राइवर होता है, एक गाड़ी कितने घरों का पेट पालती है, अगर एक बस रोड पे चलती है ढाबे वाले का पेट चलता है, कमर्शियल ड्राइवर नहीं होगा तो कम से कम खुद तो गाड़ी चलाता ही होगा। गाड़ी वाला देखो आज की डेट में जो भी आप बस मालिक है सबको पता है हर पॉइंट पे चलती है, पैसा देने के बावजूद ईमानदारी की दिखा सकते हम लोग, कागज पूरे नहीं है उसका, जी आपका ये होगा वो होगा, पैसे दो तो गाड़ी चलेगी वरना चलाना, कागज पूरे होने के बाद उनकी मनमानी, गाड़ी बंद कराओ जी, कहीं धरना हो गया बोलवा चाहिए जी उठा के ले जाते हैं गाड़ियां धरने पे खड़ी कर देते हैं, बदमाशी है, पूरी बदमाशी कर रखी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, उनको पता है आज भी देखो आप कोई भाई बिजी होगा, कोई किसी ऑफिस में बैठा है, कोई किसी ऑफिस में बैठा है, इस वजह से जितनी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हो पाए हुए हैं, अरे बहुत, लेकिन लोग आज जितनी लोग संख्या हो पाए बाकी कुछ दाएं बाएं गए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर को दबा दिया जाए इनकी जनसंख्या कम है तो वो गलत है, बैंक वालों ने लोन क्यों किस बात पे दिया, भाई साहब गाड़ियाँ चलेंगे तो भरेंगे, अगर गाड़ियाँ नहीं चलेंगे तो किसने कहाँ से देगा, टैक्स कहाँ से भरेंगे, अभी गाड़ी खींच के ले जाएंगे, यही सरकार है सर। अभी देखिए आप, अभी इन्होंने बोल दिया कि जब तक 2-3 महीने में गाड़ी बंद कर देगी, हाँ। तो क्या इन 2-3 महीनों के लिए जो है सरकार अपना टैक्स छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, टैक्स पूरा लेगी, अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा उसके ऊपर ब्याज भी लगाएगी, पूरी बदमाशी चल रही है इनकी, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, वो कहते हैं जो दबता है उसको और दबाओ, कहां से जाएगा, 19 मॉडल जिसकी गाड़ी है, 20 में लॉकडाउन लग गया, 21 में आधा लॉकडाउन रहा, 21 के बाद में गाड़ियां चली, 22 में मसा मसा गाड़ी पटरी पे आई थी क्योंकि टूरिस्ट तो बंद थे, एयरपोर्ट तो बंद थे, सिर्फ स्पेशल फ्लाइटें चल रही थी, ठीक है, उसके बीच में क्या हुआ, जिसकी हैसियत थी, अंधे हो गए, जिसकी हैसियत थी, जिसने ब्याजों पे पैसा लेके जनाब किस्तें भरी है वो कहां से उतारेगा, जिसने अपना सिविल बचाया अगर किस्तें नहीं भरेगा लोन नहीं होगा, क्या ट्रांसपोर्ट में गुनाह कर दिया सर, इनकी नजरों में तो यही है, ये तो सिर्फ क्या है आपके न्यूगो, ये बैटरी वाली बसें आ गई हैं न्यूगो कंपनी की, अभी क्या न्यूगो को दौड़ाने की तैयारी में है, बस अड्डे से भर रही है, कोई रूट परमिट कोई लेना देना उसका है ही नहीं, जहाँ से जा रही है जहाँ से जा रही है उसको क्या मतलब, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है, शिमला में गाड़ी बंद हुई थी जनाब, शिमला में गाड़ी बंद हुई थी, आज भेजो शिमला, आज क्यों नहीं भेजते आप न्यूगो को शिमला, आप हर एक डीजल गाड़ी वाले को बंद करा रहे हो, आप बैटरी वाले के ऊपर जोर दे रहे हो, अरे एटलीस्ट डीजल गाड़ियों को खत्म तो होने दो, मान गए आपकी बात कि हाँ भाई डीजल गाड़ियां नहीं है वैलिड, नहीं चलेंगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डीजल गाड़ियों को तानाशाही के ताई बंद कर दोगे, आपने 10 साल का आप लगाओ कम से कम 1 करोड़ के आसपास वोल्वो आती है, पैसा डीजल सर एक वापस दे दो सर, 1 करोड़ के आसपास वोल्वो आती है, किसी अगर ऑपरेटर ने दी होगी तो 20-25 लाख से ऊपर डाउन पेमेंट नहीं दी होगी, और 20-25 लाख बोलने में कितना ऐसा लगता है 20-25 लाख बोल दिया, लेकिन जिसकी जेब से गया हुआ उससे पूछो ना, एक पूरी जिंदगी की कमाई होती है, और 10 साल के अंदर पहले आपने बोल दिया जी 10 साल गाड़ी चलाओ, 10 साल चलाने के बाद में 1 करोड़ रुपए तो पहले गाड़ी का निकालेगा, फिर वो अपने बच्चों का निकालेगा, एजुकेशन आप कहते हो सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी हो गई, कौन पढ़ाना कौन चाहता है उन सरकारी स्कूलों में, आपने बोल दिया इलाज आपका फ्री हो रहा है, कौन कराता है उन अस्पतालों में जाके इलाज, वही कराते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो जिनके मेडिक्लेम है वो तो आज भी प्राइवेट धक्के खा रहे हैं, वही पॉलिसियां करा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े हालात है स्कूल और सरकारी। पारस भाई इस तरह से जो जो जोश है, जो जुनून है, ये जो गुस्सा है, क्या लगता है ये, और आप इसको लामबंद कर पाओगे, लोगों को इकट्ठा कर पाओगे? सर देखो लोग तो इकट्ठा होंगे, देखो जिसके पेट पे आती है पेट से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई इंसान ये नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को जो है भूखा मारूं, जब इंसान खुद भूखा मरेगा बच्चा भूखे मरेगा वो रोड पे भी आएगा, इनकी सरकार भी गिराएगा, इनकी कुर्सी भी छीनेगा, इनको रोड पे लाके मारेगा। साफ साफ समझ लीजिए, अगर ट्रांसपोर्टर आपकी कुर्सी पे बिठा सकता है तो टांग खींच के कुर्सी से पटक भी सकता है, ट्रांसपोर्टर की जो धैर्य है
उसकी परीक्षा ना लें। इतना निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, एक बार पढ़े तो सुपड़ा साफ हो जाए। केजरीवाल जी, एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जो 2019 मॉडल 20 मॉडल गाड़ियां हैं उनमें यूरो 6 जो यूरो 4 गाड़ियां हैं, लेकिन उसमें उन गाड़ियों के अंदर बसों के अंदर यूरिया डलता है, वो गाड़ियां यूरिया की टैंक से चलते हैं। जो BS6 गाड़ियां उसमें भी यूरिया डलता है, तो BS4 और BS6 में फर्क कहाँ रह गया? एटलीस्ट आप उन 18-19 मॉडल गाड़ियों को तो छूट दो कम से कम। इनके पास कुछ दिमाग नहीं है या कोई नियम नहीं है, कायदा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ बोल देते हैं। एक सुबह उठता है तुगलक की तरह और एक फरमान जारी कर दिया, उसके बाद जी उसके जो नीचे लगे पड़े हैं वो जी ऐसा कर देंगे वैसा बंद कर देंगे। हाँ वो तो यार, वो तो चापलूसी कर दी है, चमचे हैं, चापलूसियां कर रहे हैं। आधी मीडिया उनके साथ देगी, आधी मीडिया उनके साथ आपको बना देगी कि आप शैतान हो, आप ही सारा पोल्यूशन कर रहे हो। जबकि पराली बंद करो ना सर, आप पराली आप बंद करो, वहाँ तो हिम्मत पर एक किसानों ने रोक दिया था ना, ये चाहते हैं कि ऑपरेटर भी वहाँ पे बैठे, ट्रांसपोर्टर वहाँ पे बैठे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो ट्रांसपोर्टर टैक्स देकर रोड बना सकता है ना, उसको रोड उखाड़ने में टाइम नहीं लगेगा, सारी जिंदगी रोड नहीं बनने देंगे सर। अगर हमारी गाड़ियां नहीं चलेंगे सारी जिंदगी रोड नहीं बनने देंगे। देखिए, जो ट्रांसपोर्टर रोड टैक्स भर के रोड बना सकता है वो रोड उखाड़ भी सकता है। अब ये सरकार को समझना चाहिए कि छेड़े ना, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टर के ज़्यादा दबाया, ज़्यादा परेशान किया और जब पेट पे बात आ जाती है तो क्रांति होती है, और जब क्रांति होती है तो बड़े बड़े सत्ताओं की, राजाओं की सत्ता हिल जाती है। आपको क्या लगता है, ये ट्रांसपोर्टर की बात सही है? सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।